watch we break. Make it seem like we feel the same. We love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. But we fell apart just in time. At least it was worth a try. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत और इस वीडियो में हम बात करेंगे निसान मैग्नाइट के बारे में। निसान मैग्नाइट रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में एक नया कॉम्पिटिटर जुड़ गया है। चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे गाड़ी के सभी पर्सपेक्टिव के बारे में कि गाड़ी का लुक्स कैसा है, इंटीरियर कैसा है, कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है और क्वालिटी कैसी है गाड़ी की। इन सभी चीज़ों की हम बात इस वीडियो में करेंगे और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट आप ले सकते हैं और कौन से फीचर्स इसमें अच्छे हैं। सबसे पहले एक्सटीरियर की बात करते हैं। एक्सटीरियर में जैसे कि आप देखेंगे आपको बहुत ही सुंदर लाइट्स दिखेंगी। ओवरऑल मुझे गाड़ी का लुक काफ़ी पसंद आया। काफ़ी अच्छा काम किया है निसान इंडिया ने इस वैल्यू फॉर मनी गाड़ी में। 4.99 लाख में गाड़ी स्टार्ट हो रही है और इतनी सुंदर गाड़ी बना दी है। इतनी बड़ी साइज़ की गाड़ी इस प्राइस में अभी तक नहीं आती है, तो ये एक सबसे अच्छी वैल्यू फॉर मनी गाड़ी साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे, काफ़ी सेल भी करेगी निसान इंडिया के लिए और इसका ये ट्रम्प कार्ड भी साबित हो सकता है। चलिए देखते हैं बाकी चीज़ों के बारे में। अब फ्रंट में आप देखेंगे, फ्रंट में आपको बड़ी सी ग्रिल दिखेगी जो कि लगभग पूरा एरिया आपकी गाड़ी का कवर करेगी फ्रंट का। पतली सी हेडलाइट है और प्रोजेक्टर के साथ आ रही है, वो बहुत सुंदर लग रही है देखने में। साथ में DRL जो है वो ऑल द वे रन होकर नीचे तक जा रहे हैं और नीचे आपको फॉग लैम्प मिलेंगे जो कि अगेन एक प्रोजेक्टर LED फॉग लैम्प है और काफ़ी सुंदर लगेंगे देखने में। उसके अलावा आप साइड की बात करें तो साइड में आपको टायर देखेंगे। टायर जो हैं वो लगभग 16 इंच के हैं और 195 का जो है इनके सेक्शन है और इनकी प्रोफाइल जो है वो 60% ऑफ 195 है। मतलब काफ़ी अच्छी प्रोफाइल है और राइड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी होगी। जब मैं ड्राइव करूँगा तब मैं आपको इन सभी चीज़ों के बारे में बता दूंगा। फिलहाल अभी लुक्स की बात कर लेते हैं। उसके बाद साइड में देखें तो साइड में आपको AB प्लर C प्लर के ऊपर में ब्लैक ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा और साथ में पीछे की बात करें तो पीछे आपको टेल लाइट जो है वो हैलोजन के साथ मिलेगी और यहाँ पर टर्बो की बैजिंग है जो कि ये बता रही है कि ये टर्बो मॉडल है। उसके अलावा बूट की बात करें तो बूट भी काफ़ी सही साइज़ का है। लगभग इतनी ही साइज़ के बूट जो हैं 330-340 लीटर का है और इतनी ही साइज़ के बूट जो हैं वो इस प्राइस रेंज पर अभी अवेलेबल हैं। इसके अलावा इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर में आप देख रहे हैं आपको दरवाजे के ऊपर जो है यहाँ पर सारे पावर विंडोज़ के कंट्रोल हैं, साथ ही में विंग मिरर्स के कंट्रोल मिलेंगे। उसके अलावा विंग मिरर के साथ में आपको जो डोर पैनल है वो ठीक क्वालिटी का है। ऐसा कोई मतलब आप प्राइस में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं, लेकिन ठीक है, बहुत बुरा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का है, ठीक ठाक क्वालिटी का। यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक यूज़ किया हुआ है, नो डाउट कि इसमें अगर आप स्क्रैच वगैरह करेंगे तो इजीली स्क्रैचेबल मुझे ये लगा मटेरियल, लेकिन फिर भी ठीक है। उसके अलावा अंदर की बात करें, स्टेयरिंग आप व्हील देख रहे हैं, स्टेयरिंग व्हील काफ़ी सही लगा मुझे, छोटा सा स्टेयरिंग व्हील है। उसके अलावा टच स्क्रीन की बात करें तो टच स्क्रीन भी अच्छा है, बहुत मतलब रिस्पॉन्सिव नहीं कह सकते हैं आप, लेकिन साइज़ अच्छा है, आपको व्यू काफ़ी अच्छा मिलेगा इसमें। और रिव्यू के टाइम बात करेंगे कि कैसा क्या इसका ओवर द टाइम रिस्पॉन्स रहता है। उसके अलावा स्पीडोमीटर इसमें फुली डिजिटल दे रखा है और पर्सनली मैं थोड़ा सा कांटे वाले जो होते हैं उनका फ़ैन हूँ तो मुझे ये इतना पसंद आता नहीं है, लेकिन फिर भी अभी यही चल रहे हैं तो ये आ रहा है इसमें, अच्छी बात है। उसके अलावा ग्लव बॉक्स की बात करें तो ग्लव बॉक्स भी डिसेंट साइज़ का है, मतलब आपको काफ़ी बड़ा है, डिसेंट भी नहीं बोल सकते, काफ़ी बड़ा है और अंदर आपको लाइट भी प्रोवाइड की गई है। उसके अलावा गियर भी ठीक है, गियर के अलावा यहाँ पर आपको थोड़ी सी जगह दिखती है, दो कप होल्डर हैं। और उसके अलावा जो आप आर्मरेस्ट देख रहे हैं, आर्मरेस्ट पर्सनली कोई यूज़ का है नहीं, मतलब ना तो ये आगे आता है और ना इसमें कोई स्टोरेज है, तो बस ये दे दिया गया है कि बीच की स्पेस को फिल करना था इनको। इससे अच्छा कोई स्टोरेज दे देते वहाँ पर फ़ोन वगैरह चार्ज वगैरह करने के हिसाब से ज़्यादा सही रहता। बाकी ओवरऑल गाड़ी का इंटीरियर ठीक लग रहा है, ऐसा कोई एकदम बहुत शानदार इंटीरियर नहीं है लेकिन बुरा भी नहीं है। प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है,
बाकी चीज़ों की बात हम गाड़ी के रिव्यू के टाइम पर करेंगे कि क्या क्या किस चीज़ का रिस्पॉन्स है। बाकी अभी पीछे चलते हैं और पीछे भी ठीक ठाक स्पेस है बैक में, मतलब आप हेडरूम वगैरह ठीक है, लेग रूम ठीक है, स्पेस ठीक है, मतलब नीचे जो हम्प होता है वो भी इतना ऊंचा नहीं है कि आपको बहुत दिक्कत होगी, बहुत सही है। तीन लोग आराम से बैठ जाएंगे, मतलब दो लोग बड़े और एक बच्चा आराम से बैठ जाएगा, क्योंकि इतना शोल्डर रूम अवेलेबल नहीं है। पीछे पार्सल ट्रे है और काफ़ी ठीक ठाक तरीके से गाड़ी को डिज़ाइन किया गया है। अब बात करते हैं इसकी बाकी चीज़ों की। अभी आप जो ये फैब्रिक देख रहे हैं गाड़ी के अंदर, ये एक्चुअली ये गाड़ी में सारी एसेसरीज वगैरह लगा दी गई हैं। अभी आप जो ये देख रहे हैं ये एक्चुअल में सीट कवर्स हैं जो गाड़ी के साथ आते हैं इसमें, और ये फैब्रिक वाले हैं, बहुत बेहतरीन क्वालिटी के नहीं हैं लेकिन फैब्रिक भी ठीक है, सॉफ्ट हैं, सबसे अच्छी बात यह है, और बैठने में काफ़ी कुछ नहीं लगेंगे और काफ़ी सही तरीके से इसको किया गया है। स्टिचिंग काफ़ी अच्छी है और बकेट भी ठीक ठाक है, इतना ज़्यादा बकेट नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं गाड़ी के उन चीज़ों की जो मुझे थोड़ी सी सही नहीं लगी गाड़ी के बारे में। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं गाड़ी में जो ये व्हील आर्च है, व्हील आर्च में अंदर से पूरी कवरिंग आगे की गई है लेकिन पीछे नहीं की गई है, और अगर देखें तो आप अंदर प्लास्टिक क्वालिटी भी थोड़ा सा उतना मतलब हल्का है, और मुझे ऐसा लगा कि प्लास्टिक क्वालिटी भी थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि स्क्रैचेबल इजीली है, और हो सकता है ओवर द टाइम इसमें स्क्रैच आ जाए। और जब इसकी बात मैं रिव्यू में कर दूंगा, जब मेरा फ्रेंड लेगा गाड़ी तो मैं इसका प्रॉपर एक रिव्यू शूट करूंगा और तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसा क्या गाड़ी ओवर द टाइम बिहेव कर रही है। गाड़ी का जो शीट मेटल है वो भी हल्का सा मुझे पतला लगा, बाकी ऐसा कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं, और इस प्राइस रेंज में आप क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे ज़्यादा। लेकिन गाड़ी ओवरऑल बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर लग रही है, और हो सकता है कि गाड़ी बहुत अच्छा सेल भी करे इंडियन मार्केट में। अब बात करते हैं गाड़ी के वैल्यू फॉर मनी वेरियंट की। तो वैल्यू फॉर मनी वेरियंट मेरे हिसाब से XV और XV प्रीमियम है। XV मॉडल जो है उसमें लगभग आपको बेसिक सारे फीचर्स आ जाएंगे लगभग, और जैसे कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आ जाएगा, टच स्क्रीन आ जाएगा, रियर व्यू कैमरा आ जाएगा, एलॉय व्हील्स वगैरह सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको XV वेरिएंट में मिल जाएंगी। XV वेरिएंट के अलावा जो XV प्रीमियम वेरिएंट है उसमें आपको जो थोड़े से टेलीमेटिक्स वगैरह हैं वो जुड़ जाएंगे, जैसे हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल वगैरह वाली चीज़ें जो हैं, ESP वगैरह, ये सारी चीज़ें भी एड ऑन हो जाएंगी। साथ में आपको 360 कैमरा भी मिल जाएगा उसमें। साथ में एक चीज़ और मिल जाएगी जो कि है प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प, जो कि XV में नहीं मिलेंगे, XV प्रीमियम में आपको वो भी मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से प्रीमियम चीज़ों में ऑब्वियसली ये चीज़ें जुड़ रही हैं, लेकिन अगर आपको इन गिज़्मो फीचर्स से ज़्यादा लगाव नहीं है तो आप XV वेरिएंट ले सकते हैं, वो भी वैल्यू फॉर मनी है, और लगभग सारे आपके जो डेली यूज़ वाले फीचर्स हैं वो उसमें अवेलेबल हैं। तो मेरे हिसाब से ये दोनों जो मॉडल हैं, ये दोनों जो वेरिएंट हैं, मेरे हिसाब से वैल्यू फॉर मनी है। और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो यही वेरिएंट अगर आप प्लान कर सकें या इस प्राइस रेंज तक पहुँच सकें तो आपके लिए बेहतर रहेंगे। बाकी कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन ऑब्वियसली इसका कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ही है, लेकिन अब ये क्योंकि कम प्राइस में आ रही है तो इसका कंपटीशन जो छोटी हैचबैक हैं और प्रीमियम हैचबैक हैं उनसे भी हो जाएगा, क्योंकि लोग सोचेंगे कि यार हम यही गाड़ी ले लेते हैं, काफ़ी सही रहेगी, काफ़ी बड़ी है और थोड़ा सा रोड प्रेजेंस वगैरह भी काफ़ी सुंदर है इसकी। तो ये चीज़ों के कारण हो सकता है कि जो लोगों के जो विचार हैं उनकी गाड़ी के बारे में बदल कर ये गाड़ी लेना ज़्यादा पसंद करेंगे। मेरे हिसाब से इंजन की बात करें तो इंजन में आप टर्बो पेट्रोल इंजन जो है वो ज़्यादा प्रेफर करें तो सही रहेगा, क्योंकि अगर गाड़ी लेडन कंडीशन में रहेगी तो आपको हो सकता है कि 1 लीटर में प्रॉब्लम हो। वैसे कोई गाड़ी का वेट ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मतलब लेडन अगर आप गाड़ी में 5 लोग एक साथ बैठ के कहीं जा रहे हैं तो हो सकता है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी ऐसा कोई प्रॉब्लम है नहीं, वेट उतना ज़्यादा है नहीं गाड़ी का कि वो कोई दिक्कत करे, लेकिन टर्बो पेट्रोल में ऑब्वियसली आपको अच्छी पावर और टॉर्क मिलेगा तो गाड़ी इजीली चल पाएगी। और CVT वेरिएंट भी काफ़ी अच्छा है, CVT में आपको अच्छा एवरेज और काफ़ी स्मूथ राइड मिलेगी, और मेरे हिसाब से जितने मैंने अभी तक रिव्यू देखे हैं उसमें CVT की काफ़ी तारीफ की जा रही है इस इंजन की। तो CVT अगर आप पॉसिबली ले पाएँ तो काफ़ी बेहतर रहेगा। इनफैक्ट मेरे जो फ्रेंड ने बुक की है वो भी XV CVT ही बुक की है उसने टर्बो के साथ में, तो देखते हैं कैसा क्या परफॉर्म करती है ओवर द टाइम। मैं आपका उसको रिव्यू शूट करके बताऊंगा कि क्या कैसा है, कैसी क्या क्वालिटी है गाड़ी की, इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, क्योंकि मैं रेगुलर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ गाड़ियों से रिलेटेड लेके आते रहता हूँ। अगर कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या फिर आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं मुझे MasterCKD के नाम से, मैं वहाँ पर आपको मिल जाऊँगा और सभी लोगों के मैं रिप्लाई कर देता हूँ। इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या आप लोग इस गाड़ी को लेना पसंद करेंगे इस बारे में जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। Make it seem like we feel the same, we love what we have.